काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबाइलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबरा कर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी, न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पठानी कबाइलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबाइलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबाइलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ, और यह तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आंबेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे बिग लैंड एबोल्यूशन है क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एवोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370 35 से, और इसी का नतीजा है ये गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्त्रीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए, सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल्ला।